हाँ साहिल, मेरी मम्मी से ही सुलझवा लो। मिर्ची देखियो, बस बस। यहाँ पे दिवाली की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है, तो लाइटें लगाई है, लाइटें लग चुकी हैं, ज्योति चढ़ी हुई ऊपर छत पे और लाइटें लगा रही है, जला के देख रही है कौन सी जल रही है। तो यहाँ पे शाम का 6:30 बज रहे हैं और मैं सब्जी छौंक रही हूँ, आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया है और ये टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए थे और इसमें मसाले डाल लिए। ये आलू मटर धो के रख रखे हैं और अब छौंक देते हैं सब्जी। जीरा भुन गया है, अभी मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और मसाले, प्याज लहसुन नहीं डालनी थी, हींग और जीरे से ही छौंकी है और टमाटर डाले हैं। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं धीमी करके, तब तक मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अभी इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और मसाला पकना स्टार्ट हो गया है। देखो थोड़ी देर और पकने देते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब मसाला भुन गया है तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं आलू मटर। यहाँ पे मैंने इसमें आलू मटर डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें मसाला अच्छे से चला जाएगा, फिर डाल दूँगी इसमें पानी। तो अभी मैंने इसमें पानी भी डाल दिया जितना डालना था, क्योंकि तरी की बनाई है आलू टमाटर और मटर। तो अब कर देते हैं कुकर को बंद, 2 सीटी लगवा लेते हैं इसमें। यहाँ पे बनाऊंगी मैं पास्ता, तो अभी कढ़ाई रख ली है और ये प्याज शिमला मिर्च कट करके रख लिए, पास्ता उबाल रखा है और गैस पे तब तक कढ़ाई चढ़ा दी मैंने। थोड़ा सा घी डाल लिया है क्योंकि मेयोनी डलेगी तो वो भी घी ही होता है, तो थोड़ी ही डाल ली है। घी गर्म हो गया था फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी, हल्की सी प्याज ब्राउन होने लगी तो फिर शिमला मिर्च डाल दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं भूननी होती, हल्की हल्की सी फ्राई करनी पड़ती है कि सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी शिमला मिर्च, और फिर काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और फिर जो पास्ता उबाल के रखा था वो डाल दिया। तो इसमें जो क्रीम लेके आए थे मेयोनी वो डाल दी और सॉस, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से चमचे से मिक्स कर दिया। क्रीम मेरे को थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने वो डाल दी ऊपर से, और फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये हमारा पास्ता बन के हो गया है तैयार, तो अब डाल लेते हैं इसे हम प्लेट में। आप भी आ जाओ पास्ता खा लो हमारे साथ। फिर ये मैंने घी, जो मक्खन बनाया था तो वो मक्खन नहीं खाया था, फिर उसको घी बना लिया था तैयार के, तो ये घी है। और जो नीचे का बच जाता है ये वो है, और ये मिर्च डाल ली थी अभी मम्मी ने काट के, तो उसमें मसाला मिलाया था, तो ये अभी कटोरे में ही रखी है, बाद में डब्बे में डाल दूंगी। तो बस, तो ये मम्मी अभी दिए लेके आई थी, फिर मैंने पानी में भिगा दिए थे, थोड़ी देर भीग लेंगे फिर निकाल दूंगी, सूख जाएंगे। और आज धनतेरस है तो फिर एक तो जलाना भी पड़ेगा इनमें से बड़ा दिया, तो मैंने तब तक ये पानी में डाल दिए थे कि अच्छे से भीग जाएंगे। और इधर बना रही थी मैं खाना, तो इसमें मैंने दाल रख रखी थी, मम्मी ने अपने लिए दाल बनवाई थी, और इसमें बनाऊंगी मैं पनीर की सब्जी। तो ये पनीर कट कर लिया, प्याज टमाटर मैंने पीस लिए, अब मैं छौंक देती हूँ सब्जी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है पनीर की और धीमी आँच कर दी, थोड़ी देर और पक जाए फिर बंद कर दूँगी। दाल भी बन चुकी है, छौंक दी थी मम्मी दाल साथ में ही इंजीरे से, और ये मैंने धुल के रख दिए हैं, भिगा दिए थे थोड़ी देर, अब इस पे रख दिए ट्रे पे, सूख जाएंगे फिर रख दूँगी। और ये 2-4 बर्तन ही धुलूँगी, कितना कलर छोड़ दिया ना उसने ऑरेंज ऑरेंज जिसमें भिगाए थे। अब ये बर्तन धो लेती हूँ। और संजीव कर रहा है अपना स्कूल का काम, लेट के लिखने लग रहा है फ़ोन में से देख के, और मैं बना रही थी खाना।
लाइव भी चल रही थी मेरी, बीच में रोकी थी फिर वीडियो बना रही थी, तो चलो अब फिर मैं लाइव चला लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो आज फिर है छोटी दिवाली, तो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी छोटी दिवाली। और बस अभी मैंने काम ख़त्म किया था और मशीन लगाई थी, कपड़े धुले थे क्योंकि कल तो धोएंगे नहीं, दिवाली भी हो जाएगी और मावस भी रहेगी, तो सुबह सुबह भी बहुत काम हो जाता है, तो आज मैंने मशीन लगाई थी। कई सारे कपड़े हो रहे थे, जो कंबल ओढ़ते थे पतले वाले इसी वाले, वो भी क्योंकि अब थोड़ी ठंड होने लगी तो मोटे वाले निकाल लिए, तो बस कपड़े वपड़े धोए थे और बाकी का काम किया था। अभी नहा के आई हूँ, अब कुछ खाना बनाएंगे, तो मैंने सोचा था वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, परसों से स्टार्ट हो रखा है, परसों का भी है, कल का भी है, और ये आज ख़त्म करके मैंने कहा फिर डाल दूँगी तो इसका एंड भी कर देती हूँ। तो बस अभी आई थी मैं नहा धो के, और कपड़े भी सूख गए, मैंने सारे उतार के बेड पर डाल दिए हैं, अभी दिखाती हूँ, तय तो बाद में कर लूँगी, उतार के रख दिए, पहले कुछ खाने का बना लेंगे। तो ये सूख गए कपड़े, धूप आ रही थी और हवा भी चल रही, तो मैंने सारे उतार के बेड पे रख दिए थे, चद्दर भी छा के, और बाकी का काम तो हो गया कमरे का। और ये बेड में से निकाले थे, इन पन्नियों में फूल वूल रखे हैं बंदरवाल, जो कि कल लगाऊंगी। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना मिल जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करो। तो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।